बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपको तमाम मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे और आपकी तमाम नेक दिली ख्वाहिश पूरी करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन शादीशुदा हजरात के लिए है जो कि बेटे को तरसते हैं कि वो औलाद नदीना चाहते हैं, जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और बेटा कोई भी नहीं है। तो आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है। दोस्तों, अल्लाह पाक फरमाता है वो जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे और जिसको चाहे दोनों ता करे। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने कलाम में हर चीज़ का इलाज रखा हुआ है, जिसके ज़रिए अगर आप या हम दुआ करें जिस चीज़ के लिए भी, तो अल्लाह पाक जो ना होने वाला काम है वो भी उस अपने अस्माउल हुस्ना के ज़रिए, अपने पाक कलाम की बरकत से कबूल व मंजूर फरमाता है। और जो चीज़ आपके नसीब में नहीं होती वो उस बाबरकत वजीफे से मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके यहाँ औलाद नरीना ना होती हो और वो इलाज से आजिद और मायूस हो चुके हों। तो शोहर और बीवी जो दोनों हर नमाज के बाद सूरह रहमान की ये आयत जो मैं आपको बताने लगा हूँ 111 बार पढ़कर मर्द पानी पर दम कर दे और औरत अपने पेट पर दम कर ले और वो दम किया हुआ पानी दोनों पी लें। इस तरह आपने पूरे 9 माह मुस्तकिल मिजाजी से इस अमल को करना है। अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की फजल व करम से अल्लाह पाक आपको बेटा ही अता करेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, यकीन कामिल के साथ इस अमल को करें। सूरह रहमान की आयत जो आपने तिलावत करनी है वो ये है, खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फखार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जो लोग ये वीडियो देखें उनसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ख़ासकर उन लोगों के साथ जो इस अमल के मुस्तहिक हैं, जो बेटे को तरसते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी काविशों को ज़रूर सराहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।